मॉर्निंग बच्चों, आज की क्लास हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद पढ़ेंगे। तो देखिए, प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? विकारी शब्द और अविकारी शब्द, या फिर व्याकरणिक प्रकार। प्रयोग को ही व्याकरणिक प्रकार कहते हैं, अर्थात ग्रामेटिकल फंक्शन। कौन कौन से होते हैं ग्रामेटिकल फंक्शन? जो ग्रामर के अंतर्गत आते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके कारण जो परिवर्तन होते हैं, उनके रूप में जो भी परिवर्तन होता है, उसे हम कहते हैं विकारी शब्द। और अविकारी जो शब्द होते हैं, उनके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए, ग्रामेटिकल फंक्शन के आधार पर शब्द जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय। ठीक है, इनमें से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होते हैं तो विभिन्न प्रत्ययों के लगने से इनके रूप में परिवर्तन आ जाता है। क्या है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया जब किसी भी वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसमें विभिन्न प्रत्यय लगने से उसके रूप में परिवर्तन होता है, जिसे हम कहते हैं विकारी शब्द। परंतु जब अव्यय शब्दों में, अव्यय आप जानते हैं कौन कौन से होते हैं, प्रयुक्त होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो जैसे किंतु, परंतु, तथा, तो, यदि, ये क्या है? अव्यय होते हैं। तो वो शब्द वैसे ही के वैसे रहते हैं, इनके आने से कोई परिवर्तन नहीं होता। अव्यय के आने से, अव्यय के आने से जो परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें कहते हैं हम अविकारी शब्द। अब चलिए लिखिए शब्दों के। संज्ञा
शब्द के अंत में आते हैं उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगने से उनके रूप बदलते रहते हैं, उनके रूप बदलते रहते हैं, ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात क्या है? जिन वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम विशेषण या क्रिया के कारण जो प्रत्यय लगते हैं उनके रूप में परिवर्तन आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। अब देखिए विकारी शब्द के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। देखिए संज्ञा क्या है, इसमें क्या क्या आता है? संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति वस्तु का नाम, सर्वनाम, विशेषण। सर्वनाम अर्थात क्या होते हैं? सर्वनाम जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द होते हैं, विशेषण, और क्रिया। विशेषण क्या होते हैं? जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? विशेषण। और क्रिया शब्द क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनसे किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है। अब देखिए वो शब्द कौन कौन से? संज्ञा शब्द में क्या आ जाएगा? मोहन, सीता, जानवरों में गाय, कुर्सी आदि। ठीक है, इसमें स्थान का नाम भी आ सकता है। अब सर्वनाम भी जाएगा, शब्द भी हमारे सर्वनाम है। आगे है विशेषण, जैसे जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे अच्छा, छोटा, बुरा, नीला, पीला, काला आदि। ठीक, गोरा, ये सब क्या है? आप क्रिया क्या है? जैसे खेलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सब हमारी क्रियाएं हैं। ठीक, अब हम पढ़ेंगे सेकेंड नंबर पर अविकारी शब्द। अविकारी शब्द, अविकारी शब्द में कौन कौन से आते हैं? अब देखिए बच्चों, अविकारी शब्द अवयव शब्दों में वाक्य में प्रयुक्त होने पर कोई परिवर्तन नहीं होता। अवयव क्या होते हैं? जैसे थोड़ा, बहुत, धीरे धीरे, अचानक, कहाँ, ठीक है, किंतु, परंतु, इसलिए आदि, ये शब्द जब आते हैं तो वाक्य में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये क्या होते हैं? अवयव शब्द होते हैं, जैसे कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। ठीक है, तो ये यथावत रहते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं अविकारी शब्द। अब अविकारी शब्द देखिए कौन कौन से होते हैं। अब देखिए बच्चों, ये है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात।
ये अवयव है, ठीक है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए इन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब इसमें कौन कौन से आएंगे? क्रिया विशेषण है, जो किसी भी जो विशेषण में आने पर उसकी क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे घोड़ा, घोड़ा बहुत, घोड़ा बहुत अचानक, अचानक आगे सारे पॉइंट नहीं लिख रही हूँ। संबंध को जब जो आपस में संबंध को स्पष्ट करते हैं, दो लोगों के बीच में, जैसे के नीचे, के नीचे, जैसे टेबल के नीचे बिल्ली है, के नीचे, के सामने, के सामने मतलब घोड़े के सामने, और के समीप, के समीप होती है आदि, नदी के समीप भक्त बैठा है। समुच्चय बोधक जो दो वाक्यों वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, जैसे तथा, परंतु, तथा परंतु, और क्योंकि, क्योंकि आदि, ठीक है। ये दो वाक्यों को या समुच्चय को आपस में जोड़ते हैं। विस्मय आदि बोधक जो हर्ष, विस्मय, दुख, शोक आदि प्रकट करते हैं, ऐसे वाक्य जिनमें विस्मय हो उन्हें हम विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं। जैसे अच्छा, अच्छा सही चिन्ह है, ठीक है, विस्मय आदि बोधक था। अरे, फिर ये चिन्ह लगा के कहते हैं, अरे तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक, और वह लगाना है, तब हमें वाक्य लिखना है। निपात, जैसे घी, घी को तक आदि, इस प्रकार से ये अविकारी शब्द हैं, ठीक है बच्चों। इसे हम टेबल के रूप में भी लिख सकते हैं, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर शब्दों के भेद। अगर हम लिखेंगे तो दोनों शब्दों के ये चारों भेद लिखेंगे और विकारी शब्द के भी चारों लिखेंगे, तब हमारे व्याकरणिक प्रकार होगा, ठीक है। धन्यवाद बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।